गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, all of you. So let's begin the class for the day. Our today's topic I have already mentioned, that is government company. What do we mean by a government company, or what does a government company exactly means? तो शुरुआत ये है कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक. अभी तक हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU या पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा, वो बिल्कुल अलग था. स्टैच्युटरी कॉर्पोरेशन थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंटल जैसा, थोड़ा थोड़ा उससे अलग. और तीसरा क्या है, ये है गवर्नमेंट कंपनी. मतलब सीधे सीधे नाम दिया है, सरकारी कंपनी है ये. जो सरकारी कंपनी है जैसा इसका नाम दिया है, ये वास्तविकता में क्यों बनाई गई. अच्छा, पहले तो क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, जब ये तीनों ही सरकारी हैं तो इनके प्रकार और आकार क्यों बनाए गए. तो इसके लिए ये बड़ा ही अलग तरीके का एक सिस्टम है. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जो कि अलग से उसके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसके लिए अलग से कोई सेपरेट लॉ की जरूरत नहीं है. जो हमारे देश में लॉ है उसी के हिसाब से इसका फॉर्मेशन होगा. ठीक है, क्या दिया है, इट इज फॉर्म अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013. आई एम पुटिंग इन दिस वे. क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसमें दिया है ना, इट इज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज. जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं उसी के बेसिस पर बनाई जाती हैं. इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इस गवर्नमेंट कंपनी को बनाने के लिए सरकार को ना तो अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत है, ना ही सरकार को कोई पार्लियामेंट में कुछ करने की जरूरत है, ना ही सरकार को किसी और कानूनी कार्रवाई की जरूरत है. तो जैसे जैसे दूसरी कंपनियां बनती हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट बनी. अब अंबुजा सीमेंट सरकारी नहीं है, ठीक है, अंबुजा सीमेंट सरकारी नहीं है, लेकिन जैसे अंबुजा सीमेंट बनी, अल्ट्राटेक सीमेंट बनी, वैसे ही उसी प्रोसीजर से सरकार अपनी कंपनियां बनाती है. अब उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं आपको ले रहा हूं. मैं उनके नाम बोल दूंगा, आपको उसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझ में आ जाएगा. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है. HMT बड़ा फेमस नाम है. आप पुराने किसी भी इंसान को मिलेंगे, HMT हो बहुत बढ़िया घड़ी बनाती थी. लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स. फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड. ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना, ये केवल सरकारी कंपनी लगा सकती है, केवल और केवल सरकारी कंपनी लगा सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं लगा सकती. ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड. अब आप देखिए नाम कैसा लगा हुआ है, लिमिटेड. जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड.
नाम से ही हाँ सही सही बताया, हिंदुस्तान मोटर्स बढ़िया नाम है, सही है हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स। लेकिन इत्तेफाक से बेटा ये कंपनियां बंद हो चुकी है। इसका जो आखिरी प्लांट था कलकत्ता के उत्तरापाड़ा में, कलकत्ता में जगह है उत्तरापाड़ा, ठीक है। अच्छा स्क्रीन वगैरह क्लियर है ना सब लोगों को? कलकत्ता में उत्तरापाड़ा में जो आखिरी प्लांट था वो 2016 मार्च 2016 को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे उसकी सारी की सारी कहानियां भी खत्म हो गई, ठीक है। फिर HAL आजकल नया नाम चल रहा है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, खत्म ही हो गया ना, कहां उसके पीछे पड़े हो, आगे बढ़ो। वो गया आखिरी प्लांट था उत्तराबाड़ा कलकत्ता में सीसीयू में, वो बंद हो गया, बाकी सब तो बहुत पहले ही निपट गए और चल भी रहे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में थे। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी 2016-17 में कि बस ये बंद माना जाए। फिर इसमें और सबसे बड़ा नाम मारुति उद्योग लिमिटेड, अभी भी जिंदा है और बहुत अच्छे से जिंदा है, जिंदा भी है और अच्छा काम दे रही है और पूरे देश के लोगों को सेवाएं भी दे रही है। मारुति उद्योग लिमिटेड उस जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान की सुजुकी ने मिलकर ये प्रोजेक्ट चालू किया था। इसमें पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था और इनकी सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो कानपुर में लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, और उस जमाने में कानपुर में अकेली यही एक फैक्ट्री नहीं थी उत्तर प्रदेश में, उस समय पर वहां LML स्कूटर और शायद छोटी मोटी कुछ मोपेड बनाने की भी वहां पर फैक्ट्रियां हुआ करती थी। इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी है जो अभी भी इसका नाम चल रहा है, मैड्रास, मैड्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मैड्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मतलब ये वो रिफाइनरी है जो उसका काम करती है, किसका, पेट्रोलियम को रिफाइन करने का काम करती है। अब आप देखिएगा आपको इन कंपनियों के शेयर आप भी खरीद सकते हो, डिपार्टमेंटल कंपनी कोई शेयर इश्यू करती ही नहीं है, आप समझ लो डिपार्टमेंटल कंपनी कभी शेयर इश्यू नहीं करती क्योंकि उसका कोई शेयर होता ही नहीं। स्टेचरी कॉर्पोरेशन ने कुछ कुछ ने शेयर दिए हैं थोड़े थोड़े सरकार से परमिशन लेकर, और उन्होंने अपने स्टेटस को चेंज किया इसमें। पहले वो प्योरली स्टेचरी कॉर्पोरेशन थे, फिर उनका आधार बदलकर उन्हें गवर्नमेंट कंपनी माना गया, ओके। तो आप इसको समझने की कोशिश कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी गवर्नमेंट की है और कौन सी प्राइवेट है? देखो बहुत सारे लोगों को मारुति का नाम लगता होगा कि मारुति जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बहुत लगता है, लेकिन कई लोगों को मालूम है कि नहीं है वो, ओके। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो किसी भी बिजनेस को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में खासकर कंपनी फॉर्म में बनाती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मींस, मीनिंग अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा और उदाहरण के साथ पढ़ा, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा उसमें पढ़ने में। एनी कंपनी, कोई भी एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% शेयर होल्डिंग इज विद द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी।
शर्त लगा दी, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके कम से कम एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पता नहीं भैया, नहीं है जानकारी प्रभास इसकी। जैसे सेंट्रल कोलफील्ड लिखा हुआ है, नाम से तो लग रहा है कि सरकारी है, नाम से लिख रहा है सरकारी है, लेकिन वो कौन सी सरकारी है, डिपार्टमेंट की सरकारी है, कोल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है कि स्टेचरी कॉर्पोरेशन है कि गवर्नमेंट कंपनी है, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा भैया। सरकार की कई हजार कंपनियां है, सबके बारे में मुझे नहीं मालूम। हाँ ये सही है, सात्विका ने सही नाम लिया है, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है, और भेल लिखा है इन्होंने, इसमें स्पेलिंग गलत कर दी, उसका पूरा नाम है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भी लगभग गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट ने अपना इसमें से शेयर बेच दिया है, और आगे पता नहीं वह कितना बेचेगी, लेकिन बनी थी तो गवर्नमेंट थी, आज वो गवर्नमेंट है या नहीं वो ये डेफिनेशन तय करेगी, समझ लो, वो ये डेफिनेशन तय करेगी। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नाम में कॉर्पोरेशन लगा हुआ है तो ये स्टेचरी कॉर्पोरेशन है, अगर अगर इसके शेयर्स 50% के नीचे चले गए होंगे तो ये गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी भैया। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, आप यहां पर सुनो और समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पहले समझा दूं फिर क्वेश्चन पूछ लेना। क्या लिखा हुआ है, एनी कंपनी, एनी मतलब कोई भी, आप उसमें अंबुजा का नाम ले लो, अल्ट्राटेक का नाम ले लो, मानिकगढ़ का ले लो, या फिर गोदरेज का ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी कंपनी, सबके नाम ले लिए मैंने, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अब वो कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई हो या नहीं बनाई हो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। एग्जाम्पल सुनना मेरा एग्जाम्पल, आगे जब तक सुनोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड, क्या मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने इसको बनाया, किसने बनाया, गवर्नमेंट ने इसको बनाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मारुति उद्योग को गवर्नमेंट ने बनाया, पैसा किसने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, लेकिन कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स पब्लिक में बेच दिए, ठीक है, अब शेयर बेच दिए तो एक मिनट है, जस्ट अ मिनट, एक मैसेज है उसको क्लियर कर लूं। ओके, तो कंपनी बनाई गवर्नमेंट ने, ठीक है, कंपनी बनाई किसने, गवर्नमेंट ने, और उसको आगे चलाया भी गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट ने बेचती गई और गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से नीचे चला गया, क्या हो गया, गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से नीचे चला गया, तो चाहे वो कंपनी गवर्नमेंट ने क्यों ना बनाई हो, वो कंपनी गवर्नमेंट की नहीं कहलाएगी, समझ लीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और हमें मारुति उद्योग लिमिटेड का प्रॉपर बता रहा हूं अभी आपको, आज की खबर के हिसाब से मैं मारुति उद्योग लिमिटेड की बता रहा हूं, मैं मारुति कंपनी का, ठीक है। प्रोमोटर्स कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी कंपनी मिलाकर 56.3% शेयर्स हैं। प्रमोटर्स के हाथ में कितने शेयर हैं, 56.3, तो 100% मारुति जो कंपनी है वो आज भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा
म्यूचुअल फंड के पास 7.3 है, एफआईज के पास 21 है, और अदर्स यानी मेरे और आपके जैसे लोगों के पास लगभग 9.7 है। ये जो डाटा है ये जून 2020 का है, जून 2020 का है, समझ में आई बात। तो आज मारुति के पास, मारुति कंपनी ने जो सरकार के पास, ये समझ लो सरकार के पास, आज सरकार के पास मारुति के कितने शेयर्स हैं? 56.3, और कम से कम कितने चाहिए? 51, बल्कि 51 से ज्यादा है, समझ में आ गई बात। तो ये कौन सी कंपनी हो गई? गवर्नमेंट कंपनी। अब सपोज मान लो, सपोज प्रमोटर होल्डिंग्स, प्रमोटर का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी को बनाते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अल्ट्राटेक सीमेंट की जो प्रमोटर कंपनी है वो है ग्रासिम, और ग्रासिम की जो प्रमोटर कंपनी है वो है आदित्य बिरला की अपनी होम कंपनी, उनकी जो ट्रस्ट है वो। जैसे अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर्स कौन थे? अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर्स थे माननीय अंबुजा सीमेंट के प्रमोटर्स है माननीय श्री सक्सेरिया जी और लेट श्री विनोद दियोतिया जी, अब वो यहां नहीं है दुनिया में, कैलाशवासी हो गए। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शेयर्स किसको बेच दिए? होलसिम को बेच दिए। आज होलसिम किसके पास 51% से ज्यादा शेयर्स है। मान लो इंडियन गवर्नमेंट, मान लो इंडिया की सरकार होलसिम से अंबुजा के शेयर्स खरीद ले, तो अंबुजा कौन सी कंपनी मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। मैं वही बता रहा, सपोज इसी कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग रह जाए 49%, कितनी रह जाए? 49, यानी सरकार के पास कितने शेयर्स है? 49%। तो ये मारुति कंपनी बनाई सरकार ने है, लेकिन ये सरकारी नहीं कहलाएगी। आप मेरी पॉइंट को समझ लीजिए। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, शुरुआत कहां से हुई मुझे नहीं मालूम। एनटीपीसी एक कॉरपोरेशन था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, प्योरली सरकारी कंपनी। आज एनटीपीसी के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। अगर मैं एनटीपीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालूं, क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, तो ऑनलाइन से ही अगर मैं निकाल लूं, तो एनटीपीसी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अब मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। इतनी सारी कंपनियां हैं भारत में, तो सबके तो जानकारी नहीं रखेंगे ना। तो अगर एनटीपीसी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालूं, ओके, तो हो सकता है मुझे पता चल जाए कि एनटीपीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, अभी आ रहा है एक मिनट में, तो मैं आपको उसका भी डाटा दे देता हूं। एनटीपीसी बहुत बढ़िया सामने आ गया, तो मैं आपको एनटीपीसी के बारे में भी एक रिटन डॉक्यूमेंट दे देता हूं। तो एनटीपीसी की आज की स्थिति क्या है? एनटीपीसी प्रमोटर्स, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। तो प्रमोटर्स के पास एनटीपीसी के हैं 51.02, कितने? 51.02। सरकार को कम से कम कितना चाहिए? 51, उससे थोड़े से ज्यादा है। तो एनटीपीसी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब विदेशियों ने पैसा लगाया है, एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास है 11.43, कितने? 11.43। और एंड बैंक्स, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास इसकी शेयर होल्डिंग है 20.45%, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 0.1%। यानी कि अभी आप देखेंगे एनटीपीसी के प्रमोटर कौन है, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 0.1%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 0.1% है। तो एनटीपीसी का प्रमोटर कौन था? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सॉरी नॉट ONGC, नहीं है इसका नाम कुछ और है, ONGC का तो कोई दूसरा नाम है। तो जो प्रमोटर्स है वो सरकारी थे, तो ये सरकारी कंपनी हो गई, बात खत्म हो गई। तो इसके बारे में आप, मैं समझ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट होगी, जरूरी नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ही हो, वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
वो हो सकता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कोई बिजनेस चलाते हो, ठीक है, जैसे एक कंपनी थी वेस्ट बंगाल कॉटन स्पिनिंग मिल, ऐसी कुछ नाम था, वो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, चल रहा था बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके नाम चेंज हो गए। आपने आप ध्यान से देखोगे कि भारत सरकार की कई ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम है, जैसे L&T, लार्सन एंड टूब्रो इंग्लिश नेम है, ऐसे ही है, बहुत बहुत अंग्रेजी नाम था, मैं जब पढ़ते पढ़ते मुझे वो नाम मिला तो मेरे को समझ ये इंडियन गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा था कि कोई विदेशी कंपनी है, जबकि कह रहे वो भारत सरकार की कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, छोटे छोटे बिजनेस थे। ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I am waiting for your questions. तो इस पूरे डिस्कशन से क्या चीज निकलकर आई बाहर, इस पूरे डिस्कशन से जो चीज निकलकर बाहर आई कि जब भी गवर्नमेंट अपनी कोई कंपनी बनाती है तो धीरे धीरे क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल अपने पास रखती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट अपने हाथ से कंट्रोल निकाल भी देती है। अब इतनी सारी कंपनियां सरकार ने बेची हैं, मैंने उन सबके बारे में कुछ ज्यादा डिटेलिंग नहीं ली क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाना है, प्रैक्टिकल तो पढ़ाना नहीं है, और जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास लूंगा उस दिन मैं सारा रिकॉर्ड लेकर आऊंगा अपने साथ में, फिर वो क्या होगा, फिर रिकॉर्ड उगलना हो जाएगा, ठीक है, वो वॉमिट हो जाएगा रिकॉर्ड का। आप खुद भी तो चेक कर सकते हो गूगल पर, कुछ नहीं करना है, आपको शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी का नाम लिखना है, जैसे शेयर होल्डर्स ऑफ NTPC, ओनर ऑफ NTPC, आपको सामने आ जाएगा, आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हो। अब मैं एक लास्ट स्टेटमेंट देकर इस पूरे डिस्कशन को खत्म कर रहा हूं, मैं वापस से एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है बजाज फाइनेंस, बहुत बढ़िया कंपनी है, काफी सारे काम करती है, फाइनेंस का काम करती है। अब मान लीजिए बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस के गवर्नमेंट जो है 50% शेयर्स खरीद ले, कौन खरीद ले, गवर्नमेंट, किसके शेयर्स, बजाज फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस सरकार की कंपनी नहीं है, बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है, ठीक है, बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है जिसके अंदर हीरो है, नहीं सॉरी हीरो नहीं है, जिसके अंदर बजाज ऑटोमोबाइल है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस है, फिर आपका बजाज की दूसरी जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है, फिर बजाज प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी कंपनियां है बजाज के अंदर, तो उसका एक पार्ट है बजाज आपका ये बजाज फाइनेंस। अब मान लीजिए बजाज फाइनेंस के इक्विटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद ले 50% से थोड़ा सा एक ज्यादा, तो फिर बजाज फाइनेंस किसकी कंपनी हो गई, गवर्नमेंट की, ठीक है। आप खुद भी तो खरीद सकते हो, आप जितने चाहो मार्केट में शेयर खरीद लो, आप उतने परसेंट के मालिक हो गए, तो गवर्नमेंट कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब हम इसके बनने की तरफ चलते हैं, तो जब ये कंपनी बनाई जाती है गवर्नमेंट की कंपनी, तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई कानून नहीं चलाती, ये वैसे ही बनाई जाती है जैसे आप कोई कंपनी बनाए, जो प्रोसीजर कंपनी बनाने की मैं फॉलो करूंगा वही प्रोसीजर गवर्नमेंट इन कंपनीज को बनाने के लिए फॉलो करती है, क्योंकि इनके ऊपर वही रूल लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013, जो पुराने कानून में रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे 2013 में, और जो नए कानून में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज कंपनी बनाने की सोचू तो मैं कौन सा एक्ट लगेगा मेरे ऊपर डायरेक्टली, 2013, मुझे 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ज्यादातर भारत की सरकारें क्या चाहती है कि भारत की सरकारें चाहती है कि वो अपनी जो कंपनियां है, अपने जो बिजनेस है, उन्हें 51% तक बेच ले, जैसे NTPC हुआ 51% तक उन्होंने अपने शेयर बेच लिए, इनके शेयर्स को बेचने से सरकार को करोड़ों रुपया आया, और वो करोड़ों रुपया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च किया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो शेयर्स होते हैं ये किसके नाम पर होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द
अल्टीमेट शेयर होल्डर ऑफ ऑल दीज कंपनीज। तो आप सोच रहे होंगे कि सारे शेयर होल्डर्स यानी कि प्रेसिडेंट के नाम से हैं, तो मैं आपको एक और बढ़िया जानकारी देता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टोटल नंबर ऑफ सेक्रेटरीज है 150। कितने सेक्रेटरी? 150 सेक्रेटरीज होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स को एक्सरसाइज करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको जानकारियां देते हैं और भारत सरकार के काम को चलाने में उनकी हेल्प करते हैं। पर्सनल सेक्रेटरीज बता रहा हूं, देयर आर 150 पर्सनल सेक्रेटरीज एंड ऑल ऑफ देम आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इतनी सारे बिजनेस है, इतने सारी शेयर होल्डिंग्स है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट सबकी बोर्ड मीटिंग में तो अटेंड नहीं करेगा, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड सेक्रेटरीज या गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस मीटिंग के कंडक्ट करते हैं या उस मीटिंग में अपना मत रखते हैं, या जो गवर्नमेंट पावर में है वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसे मैनेज करती है। लाइन दी हुई है, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस गवर्नमेंट इज अ मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। इन्हें गवर्नमेंट कंपनी केवल और केवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनके ऊपर मैनेजमेंट का अधिकार किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। मैंने पहले ही बताया था सेकंड चैप्टर में, जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वही उसी की चलेगी, वोटिंग पावर उसी के हाथ में है, गॉट इट और नॉट? आगे बढ़ते हैं, फीचर्स क्या है गवर्नमेंट की कंपनी के। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल फीचर्स हैं। पहला फीचर, ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट करने के लिए कानून पहले से बना बनाया है, जो पहले बना बनाया कानून है। ये कानून कंपनीज एक्ट 2013, ये अंबुजा सीमेंट पर भी वैसा ही लगेगा जैसा किसी इसके ऊपर लगता है, ये मारुति के ऊपर लगेगा। कानून सेम है, अंबुजा पर भी वही लगेगा, वही मारुति पर, वही एनटीपीसी पर, वही अल्ट्राटेक पर या वही गोदरेज पर लगेगा। आप यह समझ लो, अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की कंपनी के लिए। आगे, अ कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड कैन बी सूड। आप कोर्ट ऑफ लॉ में कंपनी किसी के भी खिलाफ केस कर सकती है और कोई भी इस कंपनी के अगेंस्ट में केस कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर किया गया केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर किए गए केस के बराबर नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपने रेलवे के ऊपर केस किया है, अगर आप इंडियन रेलवे के ऊपर केस करते हो, तो वो केस किसके अगेंस्ट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज डिपार्टमेंट। ये समझो, आपने इंडियन रेलवे के ऊपर अगर केस किया तो आपने किसके ऊपर केस कर दिया? भारत सरकार के ऊपर किया। लेकिन अगर आपने मारुति के ऊपर केस किया है तो वो केवल मारुति पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर नहीं है। मारुति कंपनी क्या करती है? वो केवल मारुति कंपनी का लेना देना है, सरकार का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, चूंकि सरकार उसकी मालिक है, सरकार से उसके बारे में पूछा जा सकता है, जानकारी मांगी जा सकती है। पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है, चाहे भले ही पब्लिक का पैसा 56% हो, चाहे वो 51% हो, सरकार से पूछा जाएगा कि ये जो पब्लिक का पैसा लगा है आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, बर्बाद तो नहीं कर रहे आप इसको? पूछा तो जा सकता है, क्योंकि प्रश्न उठाने का अधिकार हर सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर पब्लिक को है। और आप भी पूछ सकते हो, आप अगर मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बकायदा क्या कर सकते हैं, एक कमीशन बना हुआ है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक वेबसाइट है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार आप प्रश्न पूछिए, फीस जमा करिए, मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी या उसके जो मैनेजर्स हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो आपको जवाब देगी, उनका कर्तव्य है ये जवाब देना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
जैसे मैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपने नाम से खरीदेगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कभी भी प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदती, वो एक्वायर करती है। ये समस्त भूमि भारत की, भारत सरकार के नाम की है। भारत सरकार ने उन अधिकारों को बरकरार रखा है जो पहले से अधिकार है। जैसे समझिए, आज से 100 साल पहले अगर मेरे पास कोई खेती थी, उस समय का मेरे पास 7/12 है, तो आजादी के बाद वो 7/12 मेरे ही नाम रहेगा। लेकिन मैं उस खेती का मालिक जरूर हूं, लेकिन अल्टीमेट ये पूरा देश उस सरकार का है। तो सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो वो खेती मुझसे एक्वायर कर लेगी, एक्वायर करेगी, खरीदेगी नहीं, एक्वायर करेगी। मतलब मुझे वो प्रॉपर्टी सरकार को देनी पड़ेगी और सरकार उसके बदले में मुझे कंपनसेशन पे करेगी, वो भी सरकारी रेट से। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट मार्केट से डायरेक्टली डील कर सकती है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग कोई असेट्स खरीदते हैं, हम डायरेक्टली खरीदेंगे, हमें गवर्नमेंट के उस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। गजेटेड ऑफिस, गजट में जो गवर्नमेंट गजट होता है, जिसे हम सरकारी आज्ञा पत्र बोलते हैं, आज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट में जाकर भी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं। ये थर्ड इसका फीचर है। फोर्थ और आज का आखिरी फीचर, इसके बाद आज क्लास नहीं लूंगा। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब ये जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, इसका मैनेजमेंट उसी हिसाब से चलता है। कैसे चलता है? कहते हैं कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है जिसके अनुसार हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ेगा और नए डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, और हो सकता है पुराने डायरेक्टर्स को दोबारा अपॉइंट किया जाए, लेकिन पुराने डायरेक्टर्स को पहले अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा। और दोबारा से अगर वो इलेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से हो सकते हैं, ऐसा उसके अंदर प्रोविजन है। जैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, राज्यसभा के मेंबर हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका टाइम खत्म हो जाता है, फिर गवर्नमेंट उनको दोबारा सिलेक्ट कर देती है। जैसे मनमोहन सिंह कई सालों से राज्यसभा के मेंबर हैं, वो जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होता है फिर उनको दोबारा किसी और जगह से सिलेक्ट कर देती है कांग्रेस, तो राज्यसभा में चल रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस में राज्यसभा से चले आ रहे हैं, ठीक है। पिछले से पिछले साल में पुराने वाले टर्म में अमित शाह थे राज्यसभा से मेंबर, लेकिन अब की बात तो वो चुनाव लड़के आए हैं और बकायदा कहते हैं ना बारात पे बारात लेकर आए हैं। अब की बात तो वो चुनाव लड़ा है, मतलब बारात निकाली है उन्होंने अपनी और चुनाव जीत कर रहे हैं। ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे अरुण जेटली जी थे, उनको राज्यसभा से बनाया गया। और भी कई लोग होते हैं जो राज्यसभा से आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चुनाव होता है। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूं, पूरे तो आज नहीं होंगे। हाँ, अगली क्लास में इसके मेरिट सॉरी फीचर्स कंप्लीट और मेरिट भी कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझ समझ कर पढ़ेंगे। नाउ एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू एवरीवन। और काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं उनको। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे ऊपर ही डिपेंड करें। ओके, हैव अ नाइस डे। और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा जो आपको कैश बुक के करने हैं, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़े ही क्वेश्चन दूंगा ताकि आप अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर सकें।